कृष्ण धर्म को अपनाकर सारी विद्याओं को लेकर फिर ही भरतवर्ष की भूमि को ऋषिकूल्य बनाने के लिए परम पूज्य सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी ने गृहस्थ धर्म को स्वीकार और वे अपने गुरु से आज्ञा लेकर संन्यास से गृहस्थ धर्म का स्वीकार करना यह शास्त्र विरुद्ध काम किया है। लेकिन इसका प्रायश्चित इसका पाप स्वयं पर लेकर उसको भोगते हुए उन्होंने अपनी गुरु की आज्ञा लेकर फिर गृहस्थ धर्म निभाने के लिए आए। उसने कहीं निर्णय नहीं ले दिया, कोई सभा सम्मेलन में विवाह आदि कार्यो में किसी में भी उनको आने के लिए मना कर दिया गया था। ऐसे समय में उस माता पिता ने कि हमने यह अधर्म कार्य किया है और इसका प्रायश्चित केवल आत्महत्या है यह समझकर उनको आत्महत्या करने के लिए बाध्य कर दिया गया और वे दोनों ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली ऐसे समय में प्रायश्चित उन्होंने आत्महत्या रखा था। लेकिन हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव परम पूज्य स्वामी कृष्ण जी वहां से संन्यास करके गृहस्थ आकर गृहस्थ लेकर आए, गृहस्थ को निभाया केवल हमारे लिए। यह जो कार्य आत्महत्या से भी बढ़कर था जो उन्होंने आत्मज्ञानी के साथ अपने आप को मानते हुए हमारे लिए इन विद्याओं को दिया, कितने ही निंदाएं सही, कितने ही हमारे लिए कितनी कठिनाइयों के साथ उन्होंने जीवन बिताया, मंत्र ज्ञान जैसी पत्रिका को निकालने के बाद उनके पर कितनी लांछने लगी ये सब लोग जानते हैं। यह आत्महत्या से भी बढ़कर कष्ट है। यह तो सभी को ज्ञान है, सीता माता आई और गर्भवती होने के बाद राम राज्य चलते समय किसी ने एक बात कह दी कि सीता माता पवित्र नहीं है, ऐसा मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ, किसी के घर जो दो महीने रहने रह के आने पर उसे भरे के रूप में स्वीकार करो। यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सीता को गर्भवती के रूप में कहा कि यह बात मैं मेरे समाज को खराब नहीं करना चाहता, राजा अगर खराब होता है तो समाज भी खराब हो जाता है और मैं समाज के लिए तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, मैं तुम्हें विमुक्त करता हूँ कि तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ। और गर्भवती स्त्री को जंगल में छोड़ दिया गया। वहां सीता माता ने वो गर्भ धारण किया और उस गर्भ धारण करके प्रसव करने के लिए उसने प्रार्थना की। माता पृथ्वी आई, पृथ्वी ने बहुत क्रोध आपकी के साथ कहा कि ऐसे राम की क्या वह राजा बनने के लायक नहीं है, मेरी बेटी को इस तरह जंगल में छोड़ देते हैं। वो वृद्ध हुई तो सीता माता ने शांत किया कि उनका बीज मेरे पेट में है, उनको मारने का अधिकार तो राम को है ये है या फिर आपको भी है, मैं जब तक इनको प्रसन्न नहीं कर लूंगी और राम को नहीं छोड़ूंगी तब तक मैं मेरे प्राणों को नहीं छोड़ूंगी, मां तुम शांत हो जाओ। और उस समय महर्षि वाल्मीकि आकर उनको अपने आश्रम में ले गए और गर्भ कुश का जन्म हुआ। और जब रामचंद्र जी सीता माता को लेने आए तो सीता माता ने कहा ये रहे आपके पुत्र, इन पुत्रों को आप ले लो और मनोवाकाएं कर्मों के साथ मैं उस दिन की वही प्रतिज्ञा की केवल आज यही प्रतिज्ञा कर रहे हूँ, मनोवाकाएं कर्मों के साथ मैंने आपको पति माना होगा, प्रेम किया होगा और मेरी कभी दृष्टि किसी के किसी पर पुरुष के साथ नहीं गई होगी और मैं सत्य हूँ, इस सत्यता का निर्धारण करने के लिए और आपके राम राज्य को कोई कलंक न लगने के लिए मैं मेरी माँ से प्रार्थना करती हूँ कि मैं सत्य हूँ तो वो मुझे अपने में समाहित कर ले। और धरा पृथ्वी उसी समय फट गई और सीता माता अपने आदमी के साथ पृथ्वी में समा गई। रामचंद्र जी बहुत विलाप करने लगे, रोने लगे, लेकिन धरा ने आकर कहा, पृथ्वी ने कहा हे राम याद रख जिस न्याय और धर्म के कारण सीता ने आज इस पृथ्वी पर अपना अपने देह त्याग करते हो मेरे में समा गई है, इस पृथ्वी पर न्याय के साथ कोई पैसा नहीं कमा चलना, सब लोग दरिद्र हो जाएंगे क्योंकि कह रहा न्याय एक स्त्री को अन्याय किया है। ये बात धरा की धरा का साथ सुनकर रामचंद्र जी घबरा गए। सीता माता का मन माता के रूप में पृथ्वी ने भी अपने आप को कहा कि मेरी बेटी को जो अन्याय नहीं की है ऐसी स्त्री को वध किया है जिसको पृथ्वी पर समाने के लिए। जब वो अंदर चली गई तो उसकी उस स्त्री का, क्योंकि जहाँ शास्त्र स्वयं कहता है जहाँ नारी पूजी जाती है वहाँ सारे सुख सारी संपदाएं सारी लक्ष्मी रहती है और जहाँ नारी का धिक्कार किया जाता है, नारी पर अन्याय किया जाता है वहाँ किसी प्रकार की लक्ष्मी नहीं रहती, इस बात को श्री रामचंद्र जी भी जानते थे। और यह जानने के बाद जब वहाँ धरा का शाम हुआ तो दूसरे बार जब श्री कृष्ण भगवान के रूप में वो जन्म लिए तो उन्होंने कहा कि इस धरा का शाम किस तरह जाए, यह धरा ने शाम किया है जैसे शाम होता नहीं है, केवल सब लोग अन्याय के मार्ग से पैसा कमाने के ऊपर लगे हैं और अन्याय के मार्ग से ही जिएंगे, इस प्रकार शाम किया है और अन्याय का फल क्या होता है आप उसी तरह जानते हैं। धरा ने जब दूसरे ने शाम किया तो यहाँ से न्याय मार्ग से कोई पैसा कमाने या ये आहुजा करने का कार्यक्रम हुआ ही नहीं। तब इस शाम को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने जब
कहा कि कर्ज का भी इनका जन्म हुआ है और वे स्त्रियों को छेड़कर लूट कर कहीं से नैश्वर्य सभी लोगों ने अन्य जातियों ने अपने ऊपर लूटमार की, अपने धर्मों को गिरा दिया गया, अपने मंदिरों को गिरा दिया गया, धर्म पर लूटमार की गई और लूटमार के साथ अपना धन सारा चला जाता गया और हमने भी अन्याय सीखा। अब हमारे राज्यों में छोड़े होने लगे और अन्याय के साथ यहाँ पैसा बरतने लगा और इस अन्याय के कारण हमारे पास जो शास्त्र विज्ञान जो धर्म था जो गर्व था हमारे ऊपर कि हमारे पास बड़ा वर्षा उसकी ऐसा ज्ञान था भगवान प्रत्यक्ष होते थे पृथ्वी पर आते थे भगवान ने आना बंद कर दिया, यक्ष मित्र किन्नरों ने आना बंद कर दिया, देवताओं की पूजाएं बंद हो गई और हम अन्याय के साथ जीने लगे। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की गई और कृष्ण ने कहा कि मैं जन्म ले रहा हूं। कृष्ण ने कहा कि मैं जन्म ले रहा हूं तो उन्होंने कहा कि किस तरह उस दीपक पृथ्वी सुनाई उसका क्या। तब कृष्ण ने तपस्या की और महालक्ष्मी को कहा कि मैं तुम्हारे को कुछ भी कहो उस स्त्रियों को मैं इस राज्य में इस पृथ्वी पर फिर पूजनीय बनाऊंगा, स्त्री को प्रेम प्रदान करूंगा, इस पृथ्वी पर फिर दशाओं का लाऊंगा और इस पृथ्वी पर फिर वही धन ऐश्वर्य न्याय के साथ पैसा कमाने का मार्ग कमाऊंगा, इसलिए मैं जन्म ले रहा हूँ। हे लक्ष्मी आप मेरे साथ जन्म लो। तो लक्ष्मी माता ने उनसे एक वचन किया कि मैं कुछ भी कहूंगी तुम मुझे जितनी भी स्त्रियां होंगी उसकी पूजनीयता का वचन दो तो मैं जन्म लेती हूँ। तो कहा कि तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ और कृष्ण के साथ अष्टलक्ष्मियों ने फिर इस पृथ्वी पर जन्म लिया और उस अष्टलक्ष्मियों के रूप में भाइयों के रूप में कृष्ण के पास आए और कृष्ण ने उनके प्रेम के लिए सत्य भगवान के साथ दादी का रुकड़ी का क्रोध भी सहा और स्त्रियों का भी क्रोध सहा और उनकी पूजा करते हुए इस पृथ्वी पर फिर लक्ष्मी स्थापना की, न्याय के साथ लक्ष्मी स्थापना की स्थापना का कार्य किया और यह कार्य करने के लिए उनके बहन के रूप में जो महाकाली आई थी उन्होंने वरदान दिया कि हे कृष्ण तुम्हें इस लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस साधना को करना है। यहाँ पृथ्वी में सीता माता समागई है और जिस पृथ्वी ने श्राप दिया है उस पृथ्वी वो पृथ्वी जहाँ सीता माता समागई है वो सारी जगह पृथ्वी के अंदर रहने के कारण वह स्मरणात्मक है। सीता माता जब पृथ्वी में चले गई तो यह सारी पृथ्वी स्मरणात्मक हो गई है और इस मुझे कौन सी साधना करनी है। तो माता ने कहा कि संसार में मेरे पति के रूप में रुद्र है और उस रुद्र को महाकाल को और मैं विद्यावासी बनकर इस समय महाकाल के रूप में अवतरित हूँ। हे कृष्ण तुम अष्टभार्याओं के साथ अष्टभार्याओं को प्रसन्न करने के क्योंकि स्त्री कभी भी रूठ सकती है और जब स्त्री रूठी तो हमारे घर में धनधान नहीं रहता संपल नहीं सकती कोई राजा राज्य नहीं कर सकता क्योंकि सीता माता पृथ्वी पर जाते समय माता पृथ्वी ने सीता ने श्राप नहीं लिया माता पृथ्वी ने श्राप किया कि यहाँ जो भी पैसा कमाया जाएगा जो भी धन कमाया जाएगा वो लूटा हुआ होगा अन्याय के साथ होगा, न्याय का धर्म और न्याय के साथ पुत्र पुत्र की उत्पत्ति नहीं होगी, पुत्र पुत्र और बहुत सब अपने माता पिता को गलिया नहीं लिया अपने माता पिता से प्रेम नहीं लेंगे अपने अपना तो यहाँ नहीं होगा कि सारा प्रेम सीता माता के साथ चला गया। उस प्रेम की स्थापना करने के लिए जिस साधना को महाकाली के कहने पर संपन्न किया उसे महारुद्र को मालूम करते हुए कहा कि वो अघोर साधना है संपन्न कर ताकि तू यहाँ के संसार में रहने वाली जितने भी स्त्रियां हैं उनको पूजनीय बना उनको शक्ति प्रदान कर तो फिर यहाँ धनधान्य सुख संपत्ति फिर इस पृथ्वी पर आ सकेगी। ऐसा कृष्ण भगवान के कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जो साधना की रामचंद्र जी के पास धर्म में रहेंगे लव कुश ने जो साधना की इस पृथ्वी पर फिर अन्याय ना हो अन्याय के साथ धन कमाया जाए पुत्र पुत्र अपने विरुद्ध ना हो पत्नी अपने विरुद्ध ना हो सुख संपत्ति जैसे पहले की वेद और वेद आधार पहले से हो ऐसा जीवन ने संकल्प किया रोग राय ना हो। आज हम इस उस पृथ्वी की तपस्या या उस पृथ्वी का श्राप आज भी हम देखते हैं बहुत सारे घरों में या तो धन होता है तो सरस्वती नहीं होती या पति पत्नी सुखी होते तो पुत्र नहीं होते पुत्र होते हैं तो माता पिता के विरुद्ध होते हैं या फिर हमारे पास कई सारी चीजें होती है तो घर में रोग अपना घर बनाकर रहता है या दरिद्रता अपने घर हमारे घर पर आगे रहती है या तो गुरु कृपा प्राप्ति नहीं होती या गुरु कृपा से हम वंचित होते हैं। इस प्रकार की इस कष्टमय धरा का श्राप सीता माता की स्मृति में जाने के बाद जब आया तो यहाँ अन्याय ही अन्याय कल्पा। आज भी हम अनुभव करते हैं कि हम न्याय से कितना पैसा कमा सकते हैं आप अपने छाती पर हाथ रखकर कहो कि आपने कितना न्याय से पैसा कमाया है। हम हमारे हर कर्म में आगे पीछे सोचते हैं हम हमारे हर कर्म में पाप पुण्य का अगर विनाशा ले तो पाप का ही कर्म जाता है और हम उस पैसों का सदुपयोग नहीं कर सकते या तो वो बीमारियों के लिए जाता है या फिर किसी ऐसे कार्य के लिए जहाँ हम उसके उसका सदुपयोग नहीं कर सकते। आज मंदिर भी बनवाए जाते हैं तो केवल वही लोग जो ऐसे लोग जिन्होंने प्रयास कमाई है जो अन्याय किया है उसी से मंदिर बन गया वो मंदिर कितने दिन टिके हुए रहते हैं
या वहाँ देवता है या नहीं आप अच्छी तरह जानते हैं। एक जमाना था जहाँ देवता प्रतिष्ठा होती थी तो हजारों लोग अपने आप को निर्धार करते थे, अपने आप को देव मंदिर में अपना अपनी इच्छा को व्यक्त करने के बाद इच्छा पूर्ण होती थी। ऐसी जहाँ पर आज का देवता है न अक्षय है न इंद्र है न किन्नर है, क्योंकि घरा का ही श्राप है कि मेरे पुत्र के प्रति अन्याय हुआ था, पिता के प्रति अन्याय हुआ था, जो अपनी परीक्षा देने के बाद भी अग्नि ने और सभी ने प्राप्त करने के बाद भी उसको इस पृथ्वी में करना पड़ा, पृथ्वी में जाना पड़ा और वो पृथ्वी में समा गई हे राम, इसलिए इसमें अन्याय है। तब पृथ्वी का उद्धार करने के लिए पहले कृष्ण ने जन्म लिया, बाद में भगवान बालाजी ने जन्म लिया और फिर लेकर भूदेवी को कहा कि मैं तुम्हारे लिए, लेकिन भूदेवी ने तब भी नाराज होकर कहा कि हे वेंकटेश्वर स्वामी आप आए हैं तो आपने दो बच्चों को क्या है, आपके साथ लक्ष्मी रुकी हुई है, आज भी लक्ष्मी रुकी हुई है, आज किसी के पास पैसा है तो केवल लोभ के रूप में अपना पैसा अपना मेहनत का पैसा कहने वाला आज तक शायद ही कोई होगा, सभी को या तो ऋण के माध्यम से घर होगा या ऋण के माध्यम से पैसा आएगा, क्योंकि एक श्राप को ग्रस्त पृथ्वी पृथ्वी का श्राप इस पृथ्वी पर फर्क रहा है। हम लोग ग्रस्त है या हम ऋणग्रस्त है या दरिद्र है या हम पृथ्वियों के दुष्ट बन गए हैं, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए और किस तरह इसका उद्धार होना चाहिए, यह मार्ग माँ काली ने भगवान श्री कृष्ण को बताया था। और जितने दिन श्री कृष्ण ने राज्य किया उतने दिन कृष्ण के राज्य में सारे लोग सुख और आनंद के साथ रहे, चाहे वो दुर्योधन हो या चाहे पांडव हो, तो जंगल में भी रहे तो उनको अपने पात्र था उनको रोज अन्न मिलता था। लेकिन इस समय में भी द्रौपदी का श्राप राज्य के प्रति हुआ, इस समय में भी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, हे कृष्ण तुम चाहे तो इस युद्ध को रोक सकते थे लेकिन तुमने कौरवों की सारी पत्नियों को विधवा बना दिया और वे उस सबसे सोचे वंचित होगी कि तुम्हारा वंश भी देकर नाश होगा, तो कृष्ण ने स्वीकार किया और ये वंश का नाश उसी तरह हुआ कृष्ण के बाद। इस प्रकार स्त्रियों का जहां जहां अपमान होते रहा इस दशा में अपने यहाँ का सुख स्थान की संपत्ति सब चली जाती है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग है, यह मार्ग केवल बताने के लिए अघोर शिवजी ने साधना की और कहा कि दशमहा विद्याओं को जो साधना संपन्न करता है वो इन सारी चीजों को प्राप्त कर सकता है, लेकिन दशमहा विद्या विलुप्त होगी। दशमहा विद्याओं के बारे में किसी को पता ही नहीं था और मैंने ऐसा क्यों कहा, जो अघोर पद्धति से दशमहा विद्या की साधना करता है केवल वही इस संसार का सुखी और संपन्न प्राणी कहलाया जाता है, उसको अन्याय करने की जरूरत नहीं है। आपने आदि शंकराचार्य को देखा होगा दशमहा विद्या के साथ वो स्वर्ण रक्षा कराने के लायक थे, उन्होंने भी स्वीकार किया, वो भी इसी कलयुग के थे और उन्होंने क्या ऐसा व्यक्तित्व शंकराचार्य के बाद अगर कोई हुआ है तो मैं मेरे परम पुत्र सद्गुरुदेव स्वामी कृष्णानी का नाम लूंगा। आप दशमहा विद्या की साधना करो, जिस दशमहा विद्या की साधना को सिद्धाश्रम में आज भी वहाँ सुख शांति कोई सूर्य इतना तेज से बहता नहीं, तेज से अपना प्रकाश डालता है, हवा भी बंद बंद बैठी है, बारिश भी तूफान की तरह नहीं आती, वहाँ सब अशुद्ध और शांति वहाँ विराजमान है क्योंकि वहाँ दशमहा विद्या की साधना है। ऐसे समय में जिस अघोर पद्धति से वशिष्ठ महर्षि को और विश्वामित्र जी को जिस साधना को संपर्क करने के लिए कहा था वह साधना आज आपको कल अघोर पद्धति की साधना देने का मैं कह रहा हूँ कि तो मैंने जो कहा है वो असत्य है, तो आप देख लेना आपके घर में या तो पति पत्नी का झगड़ा जरूर होता है, सुख संपत्ति नहीं रहेंगे, धन है तो पुत्र पौत्रों की शादी नहीं होती या कोई रोगग्रस्त है, हम उस धन का अभाव धन का अनुभव नहीं कर सकते। आज हमारे भारत में अगर मैं कहूँ कि 100% में से 90% के लोग इन बाधाओं से पीड़ित है, या तो पुत्र पुत्र नहीं पूछते या रोग अपने पास है दरिद्रता है या पति पत्नी में झगड़ा है या बच्चे पढ़ते नहीं या बच्चे नौकरी हो जाते नहीं घर पर ही होकर जीते हैं या कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लगा हुआ है और वो बिना लोभ के जीता ही नहीं, आज झुड़ना लेगा ही लेगा, दरिद्र होगा ही होगा, उनके घर की नाप है, हर एक आदमी ऋणग्रस्त है रोगग्रस्त है और दरिद्रता को प्राप्त किए हुए हैं। और इससे हटने के लिए जो प्रक्रिया कही गई है जिस दशमहा विद्या का गुरुजी ने अपने पास गुरुजी ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग को जो अपना कर सकता है उस मार्ग से गुरुजी ने कहा है कि वो न ऋणग्रस्त होगा न रोगग्रस्त होगा, वो इस संसार में न्याय मार्ग से धन कमाएगा और उसके घर में न्याय मार्ग से ही कमाएगा और सुख शांति के साथ जिएगा। ये विद्यावासी माँ काली ने इस अघोर विद्या के प्रति साधना देते हुए कहा था कि ये साधना श्रेष्ठ साधना है। तब यह साधना तब हुई जब माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण भगवान ने महाकाली से प्रार्थना की कि हे बहन तुम तो मेरे पहले कल से पहले तो आकाश छोड़ती जा रही हो, तुमने मुझे जहाज छोड़ दिया है, अब मुझे बताओ मैं आगे क्या करूँ, आज लक्ष्मी आपकी जन्म ले ली है कहीं हमारे में झगड़ा ना हो, मैं इन सभी को संभाल सकूँ, यहाँ एक सुख शांति प्रदान कर सकूँ, सभी स्त्रियों को सुख दे सकूँ, सभी परिवार को सुखी रख सकूँ, ऐसा कोई मार्ग बता
अघोर की से कहा प्रभु अघोर की प्रार्थना से लीजिए श्री कृष्ण होता और शाम की प्रार्थना शिवजी की प्रार्थना से कृष्ण ने की। ये काम श्री राम कृष्ण ने किया, अघोर कृष्ण ने शिवलिंग की स्थापना की और उसके संसार में राम राम की स्थापना करने का प्रयत्न किया। लेकिन जब तक इस अघोरुचि का शिव की स्थापना शिव की आराधना हो रुचि से पूजा जब नहीं की तब तक किसी ने भी शांति अनुभव नहीं की। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ यही एक मार्ग है जिसमें हम जाने जो अगर हम इस मार्ग से हम अगर चलते हैं तो हमारे घर में न्याय का कठिन स्थापना होगी और सुख संपत्ति का आगमन होगा और हम किसी प्रकार की गरीब का अनुभव नहीं करेंगे। इसमें जब माता पार्वती ने कहा कि प्रभु ऐसा कोई मार्ग बताओ जिससे इस संसार में हम कुछ नवीन का अनुभव कर सके और ऐसा कोई एक तब शिव जी कहते हैं कि पार्वती आज तक आपने देखा होगा कि रुद्राक्ष ने की मेरे आंखों से पड़े रुद्राक्ष आज साथ जब तुम्हारे साथ शादी हुई और संसार में भगवान विष्णु और लक्ष्मी को मैंने शादी देखी तो मेरे आंखों से जो आपसे जलबिंदु गए और रुद्राक्ष के रूप में है और उस रुद्राक्ष को धारण करने वाला उस आनंद को प्राप्त करता है और सारे रोग राइयों से दूर होता है। लेकिन हे पार्वती आज मैं भगवान विष्णु जो मेरे गुरु हैं और मैं हम दोनों ने मिलकर एक साधना संपन्न की है जिससे इस पृथ्वी पर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो और हम पर सदा प्रसन्न रहे वो हम पर रोटी ना रहे और हम मेरे साधक जो है वो भी श्रेष्ठ रहे। इसलिए हम दोनों ने मिलकर जब आंसू बहाए तो उस आंसू से जो रुद्राक्ष फूटा उसमें से शेष नाग और उस रुद्राक्ष पर शिवलिंग के साथ एक श्रेष्ठता के साथ इसकी उत्पत्ति होगी और जो यह रुद्राक्ष में अघोर पद्धति से साधना करते हुए माता ग्रामपिता यानी गणपति की माँ कुमारी गायत्री के साथ इसका जप करता है उसके घर में मैं अन्याय के साथ पैसा आने नहीं दूंगा और मैं कोई दुख दरिद्र का उसके घर में आने नहीं होगा और पुत्र पुत्र सुख संपत्ति उनको प्रदान करूंगा। ऐसा जब शिव जी ने विष्णु भगवान ने माता पार्वती से वचन कहा तो वह अघोर पद्धति की लक्ष्मी साधना जिससे घर में सुख आनंद जुम्मेदारी से न्याय के साथ होता है, न्याय का पैसा नहीं आता और वो कर्जदार नहीं बनता, ऋणी नहीं बनता, रोगी नहीं बनता, दरिद्र नहीं बनता और उसका घर ऋण से ऋणग्रस्त नहीं होकर नहीं रहता। ऐसी साधना प्रभु सद्गुरुदेव जी के महान गुरु शिवजी के गुरु महाविष्णु या महाविष्णु के गुरु शिव इन दोनों ने रुद्राक्ष की सृष्टि की और संसार में साधना को संपन्न किया। वह साधना गुरु पूजन के बाद मैं तुम्हें दूंगा लेकिन तब तक के लिए आपको एक विशेष आहुति की प्रक्रिया करनी है और इस आहुति की प्रक्रिया करने से पहले मैंने जिस रुद्राक्ष का आपको आज विशेष रूप से मार्ग बताया है कहा है उस रुद्राक्ष की साधना को महालक्ष्मी की आकस्मिक धन प्राप्ति और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति अघोर पद्धति से साधना कही गई है। उस रुद्राक्ष की स्थापना जिस घर में भी होती है उस रुद्राक्ष के आराधना जिस घर में भी उस गायत्री के साथ होती है उस घर में कभी अनुरोध गायत्र नहीं बनता और उसका घर कभी लोभ से नहीं बनता, किसी ऋण से नहीं बनता या उसके पढ़ाई के लिए ऋण नहीं मिलता और ऋणग्रस्त नहीं होता ऐसा कहा गया है। ऐसी ही साधना जो अघोर पद्धति की है मैंने कहा है जो अघोर पद्धति की साधना है वो तत्काल फल देने वाली है और उसकी वो दशमांश ज्ञान से युक्त है। न उस घर में रोग होता है, न पति पत्नियों का झगड़ा होता है, न पुत्र पुत्रों से वे अकड़ बनती है। सारे सुख को अनुभव करने वाली भगवान श्री कृष्ण ने माता महाकाली से अघोर पद्धति से की वाली विद्यावासी साधना को महालक्ष्मी साधना कहा गया है जिसे भगवान शिव जी ने माता अंबिका को बताया था, भगवान विष्णु ने महालक्ष्मी को बताया था और महाकाली विद्यावासिनी ने जो कृष्ण की बहन के रूप में आकाश में उड़ती चली गई आकाश वाणी भी जो वंश मान रहे थे उस विद्यावासिनी कृष्ण को बताया था। ऐसे ही दिव्य साधना ऐसा ही दिव्य रुद्राक्ष जो आपको देखने के बाद पता चलेगा कि इस रुद्राक्ष की क्या मानता है और इस रुद्राक्ष को घर स्थापन करने के बाद जितने के साथ किस प्रकार साधना संपन्न की जाती है यह साधना आपके हाथों से करवाई जाएगी और जो ये साधना करेगा मैंने जैसा कल कहा है कि भगवान विष्णु ने जिस सहस्त्र कमलों के साथ हवन किया था वह हवन में आपको जो ये साधना पैकेट लेकर साधना करते हैं उनके साथ उस कमल पुष्पों की आहुति आज शाम में दिलवाऊंगा। क्यों क्यों ये कर रहा हूँ कि मुझे आपको भी कर्मवान बनाना है, आपको अकर्म से नहीं रहना है। जो ये साधना करता है वो कभी अकर्म बिना नौकरी के नहीं रहता, अपने जीवन के आखिरी काल तक उसके शरीर में कर्म करने की शक्ति रहती है, वो जीवन में कभी रोगग्रस्त होकर पड़ा पड़ा नहीं रहता, उसके घर में कर्म रहता है, कर्म के साथ न्याय के साथ पैसा आता है। यह कर्म वाली साधना यह साधना जीवन में पहली बार अघोर पद्धति के साथ आज तक हमने न विष्णु भगवान को न शिव को न ब्रह्मा को घूढ़े होते हुए देखा है न उनको बिना कर्म के साथ देखा है। वे जब गर्भवान हुए तो उन्होंने ये साधना संपन्न की, कभी आप यह नहीं सुना कि राम भूढ़े हो गए, कभी ये नहीं सुना कि कृष्ण भूढ़े हो गए और उन्होंने ये साधना संपन्न करते हुए अपने घर में सुख शांति अनुभव की। ऐसी अघोर लक्ष्मी की साधना जो विद्यावासिनी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रदान की थी ऐसी साधना मैं आपको आपके आगे संपन्न करवा रहा हूँ। इस साधना का पैकेट 10
लेकर यहाँ आएंगे, जो पैकेट लेकर आएंगे उनको ही सिद्ध किया हुआ कमल पुष्प दिया जाएगा, जिसका हवन कल मैंने जैसा कहा विष्णु भगवान ने शिव जी के नामों से आहुति करवाई थी, वो विशेष आहुति मैं आपको दिलवा दूंगा। और यह रुद्राक्ष आपके जीवन में आने वाले पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में रहेगा, जो ये साधना संपन्न करेंगे। मैं 10 मिनट का समय देता हूँ, पूजा के बाद आपकी साधना का विधान समझाया जाएगा। मेरा कर्तव्य यह है कि आपको गुरु कृपा प्राप्त हो और आप न्याय भरा जीवन जिए, रुद्र रोग से दरिद्र जीवन ना जिए और एक सुख समृद्धि वाला जीवन जिए। इसीलिए इस अमावस्या के दिन महाकाली जी स्मशान में खड़े होकर जिसने के साथ कहा था कृष्ण तू ये साधना कर, तेरे साथ सुख शांति और मैं तेरे साथ रहूंगी, ये बात उसने भजन किया था और तक जान रहे वो आनंद ही आनंद रहा। गोकुल के लेकर नंदरवन से लेकर मधुबन से लेकर कृष्ण ने आनंद को बांटा है, ऐसी ही साधना मैं आज आपको प्रदान करने जा रहा हूँ। आपको 10 मिनट का समय देता हूँ, इस साधना का फैक्ट्री लेकर जो आए उनको कमल पुष्प दिए जाएंगे हवन के लिए, और यह साधना आपके जीवन में आनंददायक आनंद प्रदान करने वाली और सुख संपत्ति शांति प्रदान करने वाली कहलाई जाएगी। मैं 10 मिनट का समय देता हूँ, तब तक पूजा हो रही है।